मेरे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल का पेपर आ चुका है और पेपर के उत्तर सहित आपको प्रश्न बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का तटीय राज्य नहीं है? तो इसमें आएगा द तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसके अंदर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसके अंदर आ जाएगा द श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें आ जाएगा ब, द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इसमें आ जाएगा ब, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? संगमरमर, ब्रेसिया, टाइलाइट, बोरेक्स। तो इसमें आ जाएगा ए, संगमरमर। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की। तो इसमें आ जाएगा स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा प्रादेशिक भूगोल का विकास किया गया है? तो इसमें आएगा ब, कार्ल रिटर। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर, इसका क है, बनिहाल दर्रा खालिस्तान पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसमें आ जाएगा पीर पंजाल, यहाँ आ जाएगा पीर पंजाल। खैमे है, वायुमंडल में सबसे नीचे का स्तर खालिस्तान है? तो इसमें आ जाएगा क्षोभमंडल। और अगला है, सौरमंडल का जनक खालिस्तान माना जाता है? तो इसमें आ जाएगा निहारिका को। अगला है, भारत की मानक समय रेखा खालिस्तान पूर्वी देशांतर है? तो इसमें आ जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा पूर्वी तो हो गया। अगला है, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी खालिस्तान है? तो ये इसमें आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, इसमें आएगा माउंट एवरेस्ट। चय में है, खालिस्तान प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ आ जाएगा गोदावरी, यहाँ आ जाएगा गोदावरी। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब खालिस्तान मिली बार होता है? तो 1013.2 मिली बार आ जाएगा। अगला है, 1988 वन नीति के अनुसार देश के खालिस्तान प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो यहाँ आ जाएगा 33.33%। क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन, इसमें आएगा पृथ्वी का वर्णन। ख है, पवनों की गतिशीलता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें आएगा तापमान एवं वायुमंडल में परिवर्तन। अगला है, अलकनंदा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आएगा गंगोत्री, हिमनद, उत्तराखंड। और अगला है, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?
तो इसमें आ जाएगा सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। अगला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो इसमें आएगा एल्फ्रेड वेगनर ने। अगला है वायुमंडल की चार प्रमुख गैसों के नाम लिखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है हिमालय से निकलने वाली दो नदियों के नाम लिखो, तो इसमें आएगा गंगा व यमुना। अगला है पृथ्वी की आयु लिखिए, तो इसमें आएगा 450 करोड़ वर्ष। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में दीजिए, तो इन प्रश्नों के उत्तर बाद में बताएंगे आपको। आप प्रश्न देख लीजिए और आपको मिले तो आप मिला लेना इसके उत्तर। भारत की अवस्थिति पर टिप्पणी लिखिए। अगला है भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। फिर अगला है नमामिम गंगे मिशन को संक्षेप में समझाइए। अगला प्रश्न है हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। इसके बाद है काल वैसाखी से क्या अभिप्राय है। अगला है गंगा नदी के अपवाह तंत्र वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। उसके बाद है सुनामी क्या है, यह किस प्रकार का उत्पन्न होती है। अगला है सौरमंडल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की संरचना को समझाइए। अथवा में है हिमालय अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का तुलनात्मक विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के प्रकारों को समझाइए। अथवा में है भारत के उत्तरी मैदान व प्रायद्वीपीय पठार की तुलनात्मक विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत में मिलने वाले प्रमुख वनों का भूगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा में पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नताओं के प्रमुख कारकों का वर्णन दीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 और 5 के उत्तर आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों की स्थिति दर्शाएं। क में है प्रशांत महासागर और ख में है ग्रीनलैंड और ग में है यूरोप महाद्वीपीय, ग में अरब सागर और फिर है भूमध्य रेखा, फिर है हिंद महासागर। इनको हम मानचित्र की सहायता से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों की स्थिति दर्शाएं, तो इसमें है बंगाल की खाड़ी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं, सेवन सिस्टर्स प्रदेश। चलो चलते हैं मानचित्र की ओर। सबसे पहले क में है प्रशांत महासागर, उसके बाद ख में है ग्रीनलैंड, ग में है यूरोप महाद्वीप, फिर है अरब सागर, फिर है भूमध्य रेखा, फिर है हिंद महासागर। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों की स्थिति दर्शाएं। क में है बंगाल की खाड़ी, ख में है उत्तरी पर्वत, क में बंगाल की खाड़ी, ख में है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश।
गया में है गंगा का मैदान, ये गंगा का मैदान है। फिर है थार का मरुस्थल, यहाँ है थार का मरुस्थल। फिर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं, ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं। उसके बाद है सेवन सिस्टर्स प्रदेश। इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य साथियों को भी शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।